कोविड-19 को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाला प्रदेश का केंद्रीय जिला कांगड़ा फिलहाल कोरोना और हॉटस्पॉट मुक्त हो गया है। दरअसल कांगड़ा के एकमात्र एक्टिव केस की दोनों रिपोर्टें नेगेटिव आ चुकी हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। इसके साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 के खतरे से उबरने के लिए एक अलग रणनीति भी अख्तियार की गई है, जिसके जरिए आम जनजीवन को भी सुचारू तौर पर पटरी पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता की माने तो अब टांडा मेडिकल कॉलेज में रेड कैटेगरी के मरीजों को लाने की बजाय इन्हें जोनल अस्पताल धर्मशाला में रखने का प्रपोजल तैयार किया गया है। इसके साथ ही जिला भर के तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में भी सामान्य स्तर के मरीजों का चिकित्सा विशेषज्ञों के जरिए इलाज संभव हो सकेगा, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाकायदा ई संजीवनी पोर्टल की हेल्प ली जाएगी। इसके अलावा जिला के 10 बड़े अस्पताल आम इलाज के लिए भी खुले रहेंगे, जबकि कोविड-19 के संभावित और संक्रमितों के लिए 3 अलग अलग जगह सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही अगर प्रदेश भर में कोरोना से संबंधित कोई भी क्रिटिकल मरीज आएगा तो उसे मंडी के नेहरू चौक और कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। इस दिशा में भी कारगर कदम सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए जा रहे हैं। एक रूप में ये कहा जा सकता है कि आज हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है जिला में, तो इसको हम मान सकते हैं कि 14 दिन जिस जो पॉजिटिव आए थे वो भी 14 दिन की रिपोर्ट के बाद दो केसेस जो है वो नेगेटिव हैं और वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में है, तो एक्टिव केसेस नहीं है, तो इसको कोरोना मुक्त माना जा सकता है। पर जैसे विश्व स्तर पे और देश स्तर पे जैसे हालात हैं कोविड-19 के बारे में, हालांकि हमारे पास एक्टिव केस इस वक्त कोई भी नहीं है। जो आखिरी केस पॉजिटिव था वो भी कल उसकी दो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद उसको भी हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी 6 में शिफ्ट कर दिया था, परंतु हम अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते, हमारे को तैयारियां उतनी ही बना के रखनी है। जैसे पड़ोसी राज्यों में और देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस का नंबर बढ़ रहा है, तो हमें भी सतर्क जागरूक रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज हो रही है भारत सरकार के स्तर पे भी और प्रदेश सरकार के स्तर पे भी कुछ नीतिगत फैसले लिए गए हैं। पहले जो था जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो हम सरकार ने दो तरह की डेजिग्नेट की थी फैसिलिटीज़, एक प्रोबेबल केसेस के लिए कैटेगरी ए के लिए जिसके लिए जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को चिन्हित किया गया था, और जो कन्फर्म केसेस के लिए जो था वो आरपीएमसी टांडा को। दूसरी श्रेणी में जो हैं कोविड कन्फर्म पर थोड़े से स्लाइटली सीरियस हैं, मॉडरेटली इलनेस है, उनके लिए जोनल हॉस्पिटल जो पहले प्रोबेबल्स के लिए यूज होता था, अब उसको ये सरकार की योजना है कि इसमें जो है वो मॉडरेटली लक्षण वाले लोगों को रखा जाएगा, और धर्मशाला में ही एक छोट विंग को जो थोड़े सीवियर कैटेगरी के लोग आते हैं, ये प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है, जैसे ही सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे इसको कार्यान्वयन में लाया जाएगा। और उस हिसाब से अगर कोई बड़ा ही क्रिटिकल पेशेंट होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेजिग्नेट किया है हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज नियर चौक में, तो उन पेशेंट्स को सारी स्टेट के वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा करने से जो बाकी हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं वो नॉन कोविड एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को मरीजों को उपलब्ध होंगे। और सर अभी तक जिला में कितने जो सैंपल हैं वो लिए जा चुके हैं? अभी तक जो मेरे कल तक के आंकड़े हैं लगभग 810 लोगों का आरटीपीसीआर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उसके सैंपल्स करवाए हैं, और इन 5 जो कन्फर्म केसेस हैं इनके सिवाय सारे जो सैंपल्स हैं वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हमारी शुरू से ही हमारे जितने प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका संख्या जिला में 79 है, वो नॉर्मल तौर पे जैसे पहले काम करते थे 9:30 से 4 हर एक जगह सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए हैं, वहाँ पे भी वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वहाँ पे उनके घर के पास संभव है।
और सरकार ने अभी इनसी को सुदृढ़ करने के लिए एक ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया है। अगर किसी को वो कोई आदमी वेलनेस सेंटर में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता है और उसको विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता है तो वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी या डॉक्टर है वो ई संजीवनी पोर्टल पे जा करके कंट्रोल रूम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी ले सकता है। और इसके सिवाय जो हमारे मेजर हॉस्पिटल हैं 10, वहाँ पे हमने अलग अलग सेग्रीगेट किया है, जो फ्लू और फीवर के मरीजों के लिए फ्लू फीवर क्लिनिक्स चलाए हैं और दूसरे मरीजों के लिए जो है वो उपलब्ध है। और मेरी आम जनता से अपील रहेगी कि जैसे भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कि अस्पताल जो हैं मूलतः संक्रमण के स्रोत होते हैं, कि वहाँ भांति भांति के लोग आते हैं, रोगी आते हैं, और अभी भी जो देश विदेश से रिपोर्ट्स आ रही हैं अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। तो हम आम जनता से, सरकार ने भी अपील की है, हम भी अपील करते हैं कि जहाँ तक हो सके मेजर हॉस्पिटल में क्राउडिंग ना करें, जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक वहाँ विजिट ना करें, और ये सुनिश्चित करें कि जब आप अस्पताल में विजिट करते हैं तो अपने साथ बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को अटेंडेंट के तौर पर मत लाएं।